आज हम बनाने वाले हैं होममेड चिकन सॉसेज। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ मैंने कीमा ले लिया है 500 ग्राम और मैं इस कीमे को फिर से ब्लेंड करने वाली हूँ। थोड़ा सा स्मूथ बनाना है हमें, क्योंकि मैं ये प्लास्टिक में रैपिंग करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ब्लेंडर में भरकर इस तरीके से हमें पेस्ट बना लेना है, एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट बन चुका है। तो मैं एक बाउल में सभी पेस्ट को मैं डाल देती हूँ। सभी कीमा को मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डाल देते हैं इस पे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ओरिगैनो, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटी चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट डालकर मैं बना रही हूँ इस सॉसेस को। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी सॉसेस बनकर रेडी होता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। अब हम थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर इसे रोल करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आपको इस तरीके का भी शेप में सॉसेस खाना हो, उसी हिसाब से आपको कीमा को निकाल लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो इस प्लास्टिक क्रेप में इस तरीके से बहुत ही टाइटली हमें रोल करना है इसे। अगर आपके पास क्लीन रैप है तो आप उसमें भी कर सकते हो। मेरे पास क्लीन रैप नहीं है, तो ये मैंने प्लास्टिक का पन्नी ले लिया है। आप किसी भी प्लास्टिक के पतले वाले, जैसे दाल चावल कोई भी आता है, उसी प्लास्टिक के थैली में भी कर सकते हो अच्छी तरीके से धोकर। तो ये देखिए, बहुत ही टाइटली हमें बांध लेना है। अगर प्लास्टिक थोड़ा बड़ा है तो आप गिट्ठ भी मार सकते हो। मैंने थोड़ा छोटा ही प्लास्टिक लिया है, तो मैं बच्चों की हेल्प से इस तरीके से बांध रही हूँ धागे से, लेकिन बहुत ही टाइट से बांध लेना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ही हमें बांध लेना है। घर में बनाया हुआ सॉसेज बहुत ही हाइजीनिक होता है, हेल्दी होता है। बाहर से लाया हुआ सॉसेज बहुत ही दिनों का होता है, बहुत ही पुराना होता है, वो खाने में अनहेल्दी होता है। तो आज से आप लोग भी घर पर ही सॉसेज बनाना शुरू कर लीजिए। तो ये लीजिए, दोनों तरफ गिट बन चुकी है। तो है, ये देखिए, बहुत ही टाइटली रोल कर लेना है ताकि अंदर का एयर बबल सभी चला जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम फिर से सॉसेज बना लेते हैं। ये रेडी हो चुका है हमारा पहला सॉसेज। तो ये देखिए, अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर में भी आप कर सकते हो। ये देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। पहले रोल कर लेना है इस तरीके से, बहुत ही कम समय में झटपट बन जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसे भी फॉइल पेपर से बहुत ही टाइट कर लेना है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हो। बिल्कुल टाइट करना है, तभी अच्छे सेटिंग होगी। ये देखिए, अब दोनों तरफ से हम इसे चॉकलेट की तरह मोड़ देते हैं। ये देखिए, पैच कर लेते हैं। तो ये भी तैयार है दोस्तों। प्लास्टिक से भी बन सकता है, फॉइल पेपर से भी बन सकता है। तो यहाँ मैंने सभी सॉसेज को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो पानी को मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और स्टीमर को मैंने रख दिया। अगर आपके पास इस तरीके का स्टीमर नहीं है तो ये स्ट्रेनर से भी कर सकते हो आप। तो सभी को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और हमें इसे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है।
तो ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो चुका है और हमारा सॉसेज बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब हम एक एक करके बहुत ही चिल्ड वाटर में इसे ठंडे पानी में रख देते हैं, क्योंकि इसका जितना भी फैट है वो गल चुका है। तो ये सेट होने के लिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडे ठंडे पानी ऊपर से फिर से डाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है हमारा सॉसेज। अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इस प्लास्टिक को हटा दे रही हूँ। इस तरीके से आप कट कर लीजिए और बहुत ही आसानी से इस तरीके से पुश कर लीजिए, ये निकल जाता है। तो मैं दूसरा भी कट करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टाइट अच्छी तरीके से बन चुका है, ये देखिए। तो सभी सॉसेज को मैंने इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए। अब हम इसे सेट होने के लिए एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए सेट हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कट करते वक्त ही पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसे काट सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो तेल बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक करके डाल देते हैं सभी सॉसेज को। इसे एक मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। घर में बने हुए सॉसेज बहुत ही हाइजीनिक होता है। तो मैंने इसे तीखी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।